बोला था मेकअप आइए, मैंने बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपका मेरी वोकल में आपका टच आ रहा है बिकॉज ऑफ मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो गाना कुछ ऐसा, मैं आपको दो लाइनें सुनाऊंगा इनसे पहले पहले बिकॉज ऑफ ओ पौड़ी पूछ पूल पार्टी ऐसी हो बढ़िया स्विमिंग पूल में नहावे खेले और दारू सुट्टा म्यूजिक लाउड लाइफ पे हो भाई मन्ने प्राउड दारू सुट्टा म्यूजिक लाउड लाउड पे हो मैंने मन्ने प्राउड और बिकनी से बड़ी है मेरी हैप्पीनेस की जी हाँ जी ओ मैंने दारू हैप्पी। लेकिन फिल्म में और भी काफी सारे कलाकार संजय मिश्रा हैं, फिल्म देखी आपने, फिल्म की बात करें, लिरिक्स की बात नहीं करें, फिल्म की बात कर रहे हैं कि फिल्म देखी आपने, कैसी लगी फिल्म आपको? अच्छी है। म्यूजिक कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था इतना, लेकिन फिल्म में सब्जेक्ट के अनुसार कैसा म्यूजिक है इस फिल्म में अगर देखा जाए तो? फिल्म में म्यूजिक जो है वो मिक्स अलग अलग किस्म का है, मतलब उसमें रोमांस भी है, उसमें बावड़ीपुर जैसे राजा ने गाया वो भी है, इसके अलावा एक ममता शर्मा ने गाया है आइटम सॉन्ग वो भी है, और मैगी जैसा प्यार, मेरा प्यार है मैगी जैसा, और एक लाभ जंजुआ की आवाज़ है, उन्होंने एक टाइटल सॉन्ग गाया, और पलक मुछाल जिन्होंने आशिकी 2 वगैरह में गाया उनका भी एक गाना है। आप लोग अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए, क्या कर रहे हैं आप आगे, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? मेरी अभी हमारे मतलब इनके साथ दो मेरे प्रोजेक्ट्स अभी लाइन अप हैं जिनका कि मैं उनका भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। और आप बता सकते हैं कौन सी फिल्म में लिरिक्स लिख रहे हैं आगे प्रोजेक्ट्स के बारे में? मैं इनके साथ लिख रही हूं, बाकी मेरा मेन प्रोफेशन एक्टिंग है, तो मेरा दो फिल्में अभी मैंने खेल तो अभी शुरू हुआ एज अ लीड किया है रुस्लान मुमताज के अपोजिट, उसके साथ साथ एक और फिल्म है शकाल, वो मेरा शूट चल रहा है, और आई वॉज लीड इन देवानंद लास्ट फिल्म चार्जशीट, आई वॉज लीड इन दैट, आई डन लॉट ऑफ साउथ फिल्म ऑल्सो, और भी चल रहा है दो तीन और फिल्म। हाँ जी, प्रोजेक्ट्स हमें आगे का कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आगे? बहुत सारे प्रोजेक्ट तो हम साथ में कर ही रहे हैं, लेकिन इस साल मेरे कम से कम 3-4 और गाने आ रहे हैं बॉलीवुड में। एक्चुअली मुझे हंसाते हुए देखा होगा क्योंकि आई एम विनर ऑफ कॉमेडी सर्कल 2020, सब मुझे राजा के नाम पे जानते हैं, वैसे बहुत सारे एक्ट करता हूँ, सलमान भाई के भी बहुत एक्ट करता हूँ, तो सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और ये मेरा पहला बॉलीवुड सॉन्ग है बावड़ी पूछ कूल बॉडी ऐसी हुआ है, और थोड़ा अलग से एटीट्यूड है। अभी तक तो दो गानों की ऐड चल रही है धड़ाधड़ पूरे चैनल में, बावड़ी पूछ और मैगी, मेरा प्यार है मैगी जैसा जो ममता शर्मा ने ऑलरेडी गाया, मतलब आउटस्टैंडिंग है, जिसको जहाँ मुझे लग रहा है कि कमाल की बातें हो रही है, सुपर हो रहा है सब जगह, और आपके साथ साथ है, और आप हमें प्यार दे रहे हैं, साथ में आए देखने के लिए आया हूँ, मैंने इन्होंने तो देखी हुई फिल्म, लेकिन एक इसमें रोमांटिक गाना है मोहम्मद इरफान ने गाया हुआ, शायद वो आया नहीं, मैं दल यस प्यार हुआ जब तुझसे रंगों ने बोला मौसम से, इस प्यार की बहार में हम भीर घर जाए, दिल ने तुझे जब अपना माना बोली हवा तू है दीवान, जिसके प्यार में वो उम्र भर तुझ सा तुझे चाहे, वो रोमांटिक सॉन्ग मोहम्मद इरफान की आवाज़ में। थैंक यू। सर एक बाइट कर लेते हैं। हाँ सर, अभी आया नहीं है। लेट तक रुकना पड़ेगा, वापस स्टार्ट करवानी पड़ेगी। सर आप माली को कभी भी स्टार्ट करवा दो। जी हितेन मेरे भाई हैं और मैं उनके लिए फिल्म देखने आया हूँ, पूरी फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, और राजपाल जी के साथ मैंने काफ़ी काम कर रखा है, तो दोनों ही एक तरह से भाई हो गए, एंड आई एम सपोर्टिंग देम, एंड आई होप कि उनके लिए बहुत अच्छी रहे,
आपकी लास्ट फिल्म लीला में आपको देखा गया था जी, मिक्स रिस्पॉन्स था, म्यूजिक हिट था, फिल्म भी ठीक चली, लेकिन आगे क्या देखने को मिलेगा जी? अभी मैं बेईमान लव की शूटिंग कर रहा हूँ जिसमें मैं और सनी लियोन, और ये एक डार्क रोमांटिक थ्रिलर है, और उसके बाद उड़नछू एक फिल्म है जो मैं शूट कर रहा हूँ, वो एक चोर की कहानी है, तो उसमें मैं 7-8 रोल प्ले कर रहा हूँ, अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो 8 रोल है, और उसके बाद एक फिल्म जो रिलीज़ पे है वो डायरेक्ट इश्क है, वो एक बनारसी लौंडे की कहानी है, और उसका लव ट्रायंगल और कैसे वो प्यार में पड़ता है और कैसे एक लड़की को पटाता है पंडिताइन को और पागल हो जाता है, फिर ग्रे थोड़ा उसमें शेड है, तो ये सब तीनों अभी लाइनअप में। आपके साथ कुछ लगा सनी लियोन के इतने सारे फैन हैं, लाखों करोड़ों फैन होंगे जी, लेकिन आपको शायद ये बात मालूम होगी जो एलिस्टर्स एक्टर्स होते हैं जी, वो प्रेफर नहीं करते उनके साथ काम करना, आपके फैन में भी कुछ ऐसी बात अच्छी है कि उनके साथ काम करूँ ना करूँ, ऐसा कुछ लगता है आपको? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि आई थिंक सनी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड वो अपने आप में एक स्टार है, और हर लेवल पे एक बंदा अपना अपने अपनी फील्ड में एक रिस्पेक्टेबल फील्ड में एक स्टार होता है या जो है, तो टोटली डिपेंड करता है दूसरे बंदे की डेट्स पे, दूसरे जने के उस टाइम पे एक स्क्रिप्ट आपको कैसी लगती है और उसके ऊपर, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी ऐसे सोचता है, ये सब थोड़ी बातें बनाई भी होती हैं, एंड ऑब्वियसली बात है कुछ एक ऑडियंस होती है जो फैमिली होती है और कुछ होती है जो कपल्स की होती है, जो यंगस्टर्स की होती है, तो उसमें काफ़ी नोन है, तो इसमें अच्छी बात है। थैंक यू। Conventional suit. Okay. So, you know, conventional suit. The next one would be perfect.